दरअसल मोहम्मद मुइजू ने ऐलान किया है कि उन्होंने भारत को मालदीव के 28 द्वीप हैंडओवर कर दिए हैं, ताकि भारत इन 28 द्वीपों पर वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट बनाए। मोहम्मद मुइजू ने यह ऐलान एस जयशंकर के सामने किया है। भारत अब मालदीव के इन 28 द्वीपों पर पानी को पीने लायक और इस्तेमाल करने लायक बनाएगा। So that tells a story कि इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम मौका नहीं देंगे चाइना को कि वो पेनिट्रेट कर सके। सो इट मींस दो चीजें हैं कि अगर एट द टॉप लेवल प्रेजिडेंट मौजू जो है वो चीजों को मेनूवर करना भी चाहें तो सोसाइटी लेवल पे चीजें जो है वो उनसे मैनेज ना हो। हमारे इंडिया जो है वो बड़ी हमारा इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि इंडिया वापस गेम में आएगा और यू कैनॉट बी आउटसाइड द स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इफ यू आर इन द सबकॉन्टिनेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप करोगे, आप सफर करोगे, मालदीव को भी पता लग गया। पिछले एक दो महीने से मालदीव के थोड़े तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने भारत को सिंगल आउट करके सेपरेट करके ये बोला कि भैया वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अस द डेट रिलीफ एंड हेल्पिंग अस डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स टू स्टेबलाइज द इकॉनमी। स्लोली बट स्टेडली द मालदीवियन गवर्नमेंट इज चेंजिंग इट्स ट्यून। अप टिल अ फ्यू मंथ्स अगो दे हैड एन एंटी इंडिया स्टांस, बट नाउ इट लुक्स लाइक दे आर ट्राइंग टू शेड दैट इमेज एंड अडॉप्ट अ फ्रेंडलियर टोन। इंडिया जो है वो कोस्ट गार्ड के हवाले से बड़ा आपको पता एंगेज करते हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड ही तो वो सारा कुछ है। क्योंकि इंडिया के अगर देखें, इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन के अंदर, आपको पता है इंडियन अपनी नेवी को एक्सपैंड करना चाहता है। डॉक्टर जयशंकर इसलिए गए हैं क्योंकि अब गलती मान ली है मालदीव ने और भारत भी कह रहा है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, खत्म करो मैटर। और जिस दिन मोदी जी चले गए वहां पे मालदीव में, और फिर से वहां पे खुशहाली आ जाएगी, हरा भरा हो जाएगा मालदीव। इट ऑल डिपेंड्स व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट आई विल गो टू मालदीव। जय हिंद दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, कुर्सी पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो माफ़ करना। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई, आपको वैसे भी पता होगा या ना भी पता हो कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब 3 दिनों के लिए मालदीव गए हुए थे, और जो 3 दिनों में निष्कर्ष ये निकला कि भारत जो है मालदीव के 28 द्वीपों पर पानी को रिफाइन करेगा। अभी तक ये पानी रिफाइन करने का काम ऑब्वियस ही बात है चाइना किया करता था, लेकिन भारत के प्रेशर और भारत क्योंकि सस्ता भी करता है सो अभी ये काम भारत करेगा। वहाँ पे पानी जो समुद्र का पानी है उसको रिफाइन करके कपड़े धोने लायक, नहाने लायक, इन सब लायक बनाएगा। और इसी के साथ साथ भारत ने फैसला किया है कि भारत से पीने का पानी वहाँ नहीं जाएगा, एट मालदीव ही उसके लिए पैसे देगा और भारत समुद्र के पानी को ही वहीं पे रिफाइन करके मालदीव को अवेलेबल कराएगा। सो एक बहुत अहम डील पे जयशंकर साहब साइन करके आए हैं, और वैश्विक पॉलिटिक्स में यही माना जा रहा है कि जैसे जैसे पहले मालदीव सारी चीज़ें भारत से अवॉइड कर रहा था, खरीदना लेना, भारत के टेंडर को कैंसिल कर रहा था, वहीं अब भारत को लगातार कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मालदीव में मिल रहे हैं, जैसे ग्रेटर माले प्रोजेक्ट 400 करोड़ का, अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट 28 द्वीपों पे पानी। सो भारत बैक कर रहा है मालदीव में, और चाइना ऑब्वियस बात है इस पे जलेगा, पाकिस्तान रोएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर का ये जो मालदीव का ट्रिप है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप है। प्रेजिडेंट मौजू से वो मिले, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू विन प्रेजिडेंट मौजू। प्रेसिडेंट उनको पता है कि अभी तो जो मूसा जमीर हैं वो इंडिया आए हुए थे, अभी मूसा जमीर जो हैं वो चाइना गए हुए थे। सो वो बेसिकली ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द मालदीवियन गवर्नमेंट कि पायदान हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि यू हैव टू बी वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट विद अस। सो मालदीव जो है ना इट्स नॉट अ बिग इकॉनमी, इट्स नॉट समथिंग, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि मालदीव्स की जब लीडरशिप आई तो डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, हम किधर किधर आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या क्या आपको जो है ना वो दे रहे हैं, और क्या क्या हमारे पास ऐसा है जो हम आपको मज़ीद भी दे सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये उन्होंने बताई उस हवाले से। आपको याद होगा कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते हैं, तो हालात ख़राब हुए जब कुछ मालदीव के जूनियर मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे बिलो द बेल्ट बातें की। आपको याद है हमने माजी में इस पर काफ़ी बात की हुई है, और बिलो द बेल्ट बातें की जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जो आइलैंड वहाँ पे गए और वहाँ जाके चीज़ें की। अब हुआ ये है कि इंडिया ने मालदीव का कर्जा जो है उसको थोड़ा डिले कर दिया। अब ये जो मालदीव की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस स्टेटमेंट जारी की कि
मालदीव की जो डेट रीपेमेंट है वो उसमें इंडिया ने बड़ी सपोर्ट की है और हम इसमें बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया के। इंडिया ने फिर मेरे ख्याल 400 करोड़ रुपया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए किया है। और बेसिकली डॉक्टर जयशंकर जा भी इसीलिए रहे, यू कैनॉट बी आउटसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इफ यू आर इन द सबकॉन्टिनेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप करोगे, आप सफर करोगे, मालदीव्स को भी पता लग गया। दो क्लासिकली हम उसको सबकॉन्टिनेंटल कंट्री नहीं मानते, लेकिन हमारा नियर नेबर तो है यार, बगल में तो है मालदीव्स, और कितना दूर है ये देखो साहब। यहां पे दूसरी चीज ये हो गई है कि इंडियन टूरिस्ट्स टू द मालदीव्स डिप्ड बाय 42% इन द फर्स्ट फोर मंथ्स ऑफ द ईयर 2024। अब यहां पे इनका है कि जुलाई में इन्होंने 3 सिटीज में रोड शो करी थी, बैंगलोर में, मुंबई में, नई दिल्ली में, और फिर इन्होंने जो इंडियन टीम है उसको बोला था कि भाई टीम इंडिया को वहां पे भेजो। ये मालदीव्स क्यों कर रहा है, डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं? पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, समझ लो आप, फॉरेन मिनिस्टर आया, बीच में उनका एम्बेसडर आता रहता है, उसको तो 2-3 बार उसकी बेइज्जती भी करती, लेकिन फिर भी आ जाता है वो। ये हो गया, फिर आया मोहम्मद मुइजो, और जानबूझ के मोहम्मद मुइजो तब आया जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, क्योंकि देखो यार शपथ लेने में ना मोदी जी क्या बोल देंगे, उसको घर में शादी है, घर में शादी है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, घर में किसी की शादी है, खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं, एवरीबॉडी इज वेरी पॉजिटिव। अगर जिससे आपकी नहीं बनती, मैं दुश्मन वर्ड यहां पे यूज नहीं करूंगा, अगर किसी की नहीं भी बनती, अगर वो भी शादी में आएगा तो एक बार आप हाथ जोड़ के उसका स्वागत करेंगे, बोलेंगे बिना खाना खाए मत जाना, ये नेचुरल सी चीज है। ये सब मोहम्मद मुइजू को पता है, उसको पता है कि उसने भंड मारा है, मोहम्मद मुइजू ने उसको ये पता है कि उसके मंत्रियों ने भंड मारा है, इसलिए उसने वो दिन चुना कि इस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे, मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा, मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, आपके कोई घर में आ गया आप उसको क्या बोलोगे, गाली थोड़ा ना दोगे उसको, तो वो बात उसको पता है। अब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, ये इनॉग्रेशन विनॉग्रेशन सब बहाना है दोस्तों, ठीक है, ये इनॉग्रेशन बहाना है, ये छोटी सी बात थी, ये कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी जाके कर सकता था, ठीक है, ये कोई भी जाके कर सकता था। डॉक्टर जयशंकर बहुत सीनियर हैं, एक टॉप लेवल के मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, उनके जाने की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर इसलिए गए हैं क्योंकि अब गलती मान ली है मालदीव्स ने, और भारत भी कह रहा है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, खत्म करो मैटर। और जिस दिन मोदी जी चले गए वहां पे मालदीव्स में, तो अगले दिन से आप देखना ये जितने भी विस्टारा है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, जितनी भी फ्लाइट्स हैं, ये दिन में 4-4 फ्लाइट जाएंगी माले, और फिर से वहां पे खुशहाली आ जाएगी, हरा भरा हो जाएगा मालदीव्स। इट ऑल डिपेंड्स व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट आई विल गो टू मालदीव्स। जो डेट क्राइसिस है जिसे वो कहते हैं ना, वो मालदीव्स के ऊपर है, लेकिन उन्होंने इंडिया को अपील की है इस हवाले से कि हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए। अब इंडिया ने रिलीफ दिया क्योंकि इंडिया के पास भी और कोई चॉइस नहीं है। अगर इस वक्त इंडिया भी रिलीफ नहीं देता, ठीक है, तो फिर कब इंडिया फेवर ले सकता है या दे सकता है। सो ये देखें, ये एक जो डॉक्टर जयशंकर है उनका ये काम है कि मामलात को ठीक करें, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बायकॉट मालदीव्स मूवमेंट चली, ठीक है जी। ये जो डॉक्टर जयशंकर का दौरा है बेसिकली ये प्रेसिडेंट मौजू को ये बताने के लिए है कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी और आपकी जो म्यूचुअल सेंसिटिविटीज हैं उनको समझें। डॉक्टर जयशंकर ऑफन यूजेस दिस वर्ड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इंडिया की म्यूचुअल सेंसिटिविटी चाइना है, और जारी के बाद मालदीव्स की जो म्यूचुअल सेंसिटिविटी है, जो सेंसिटिविटी नॉट म्यूचुअल बट मालदीव्स की जो सेंसिटिविटी है, दैट इज कि हम इतने ज्यादा इंडिया पर डिपेंडेंट ना हो जाएं कि हम इंडिया की एक वेसल स्टेट बन जाएं। वी नीड टू कीप आवर ऑप्शंस ओपन, हमें अपनी ऑप्शंस को ओपन रखना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट मौजू स्मार्ट आदमी है, इसलिए कि ही स्पीक्स लेस ही एक्ट्स मोर, लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी फॉरेन पॉलिसी मैटर में आप देखें, वो बोलते कम है करते ज्यादा है। तो ये चीज जो है ये हमारे सामने है, ये हमें नजर आ रही है, और ये चीज जो है ना, वो अब ये जो मीटिंग होंगी 2-3 दिन की, उससे ज्यादा हमें मजीद पता चलेगा जिसे वो कहते हैं। लेकिन इंडिया लार्जली जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक डोमेस्टिक इशू है, पाकिस्तान इज कॉन्सिडर्स दैट इंडिया के अंदर पाकिस्तान एक डोमेस्टिक इशू, जैसे इंडिया बाकी बहुत सारे डोमेस्टिक इशूज करता है, पाकिस्तान को भी करता है, इस तरह इंडिया जो है वो मालदीव के अंदर एक डोमेस्टिक इशू है, ठीक है। वहां पे जो भी बात होगी इंडिया की होगी। पाकिस्तान के हवाले से आप देखें कि पिछले इलेक्शंस में बड़ी पाकिस्तान की बात हुई है, इंडियन इलेक्शंस में बड़ी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लार्ज, इस दफा उन्होंने थोड़ा कम जिक्र किया, लेकिन पिछली दफा बहुत जिक्र किया करते थे। सो वो समझते हैं कि ये हमारे घर की बात है, ठीक है जी। सो अगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे तो बहुत सारे उनके लिए, उनको शायद वो चीजें जो है वो ना मिले जो वो चाहते हैं। सो आई थिंक मोर
इंडिया इज देयर, डॉक्टर जयशंकर जो जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस देने चाह रहे हैं और बताना चाहते हैं कि आपको हम बहुत कुछ दे सकते हैं, आपने अगर चाइना के करीब होना है तो ज़रूर हो, लेकिन हमारी सेंसिटिविटी को समझिए। ये ना हो कि आप चाइना की एक जो है ना जो डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट है उसको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, या इंडी चाइनीज़ जो है वो वेसल्स यहाँ पे आके खड़ी हो जाएं। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले चाइना की एक वेसल थी जो श्रीलंका में आके डॉक होने लगी थी, तो मेरा ख्याल है इंडिया ने शोर डाला तो उसके बाद लेकिन वो आ गई थी।